सिपाही सेनापति भावर सिंह किस नंबर के बैरिक में बंद है? कमरा नंबर 3 में है हुजूर। जाओ उसे बैरिक से निकाल कर मेरे पास ले आओ। सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है। आखिर इस वफादारी में रखा ही क्या है? तेरे को कुछ मिला? कहना क्या चाहते हो भैरव सिंह? सेनापति भंवर सिंह, तुम राजकुमार आकाश का पता मुझे बता दो और राजकुमार आकाश को हम मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद ऐसे रियासत उज्जैन में हम दोनों आधे आधे के मालिक हो जाएंगे। भैरव सिंह, तुम्हें क्या लगता है कि ये सेनापति भंवर सिंह सम्राट के साथ गद्दारी करे और कुंवर आकाश का पता तुझे बता दे? ये सेनापति भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता तुझे कभी नहीं बताएगा। सेनापति भंवर सिंह, आखिर इस वफादारी में है क्या? क्या मिला तेरे को? आज इसी वफादारी के चक्कर में जेल के सलाखों के पीछे बंद पड़ा है। चुटकी भर मिट्टी मिलती है, अरे तो चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। भैरव सिंह, चुट्टी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे वतन के लखवालों को और कुत्ते की मौत मिलती है तुझ जैसे सारे देश के गद्दारों को। हरामखोर भंवर सिंह, कुंवर आकाश के बारे में साफ साफ बता दे, अन्यथा तेरी चमड़िया को खुरच कर सारे बाहर कर दूंगा। आज तू इस भंवर सिंह से कुंवर आकाश के विषय में जानना चाहता है। इस समाज में हर रिश्ते बदनाम हो गए, लेकिन आज तूने और इस नरेंद्र बहादुर ने माँ बेटे के रिश्तों को भी कलंकित कर दिया। राजमाता और सम्राट के समक्ष इस भंवर सिंह को नीचा दिखा दिया और राजमाता को भी नहीं छोड़ा, जिसका नमक खाकर तू आज तक इस धरती पर पलता रहा। लेकिन मैं तेरे जैसा देशद्रोही नहीं, क्योंकि कुंवर आकाश का पता तुझे बता दूं, ये सेनापति भंवर सिंह मरते मरते मिट जाएगा, लेकिन कुंवर आकाश का पता तुझे कभी नहीं बताएगा। हरामखोर सेनापति भंवर सिंह, बेरहम पुतला जफा का, अरे तो बेरहम पुतला जफा का, हरामखोर बेरहम पुतला जफा का, राहू का पत्थर हूं मैं, जलाकर खाक कर दूंगा तुम सबको, शैतानों का अफसर हूं मैं। गर करोगे मुझसे बगावत तो बहादुर खून की नदिया उज्जैन के लोगों तुम सबकी जिंदगी का चक्कर हूं मैं। बता दे अभी वक्त है, अन्यथा तेरी पत्नी और बेटी को इस पृथ्वी पर साले सकुन से नहीं जीने। भंवर सिंह, अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को कुछ हुआ तो समझ लेना तुझे फाड़ कर रख दूंगा हरामजादे। मेरे दोस्त, ये इससे नहीं बताएगा, ये महारानी को अपनी राजमाता समझता है, जब उनके ऊपर जुल्म होगा तब ये कबूल करेगा और बताएगा आकाश कहाँ है। नरेंद्र बहादुर सिंह, जाओ महारानी तारा को कैद खाने से घसीटते हुए मेरे पास ले आ। नहीं,
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, राजमाता को मेरे पास मत ला। सेनापत भंवर सिंह अगर अपनी महारानी को सुरक्षित रखना चाहता है तो साफ साफ बता दे कि कुंवर आकाश को कहां छुपा कर रखा है। महारानी हमारे साथ चलो। कौन है तू? कौन है? पहचान लो, नरेंद्र बहादुर सिंह। नरेंद्र बहादुर तू? हाँ मैं। और इस समय कारागार के अंदर क्यों आया है? तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे ले जाने के लिए? हाँ तुम्हें। मेरा हाथ छोड़ कमीने, मुझे छोड़। छोड़ूंगा लेकिन मंत्री भैरव सिंह के साथ। नरेंद्र बहादुर ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। मेरा हाथ छोड़ दे हराम जादे। जो कुछ करता हूँ मैं अच्छा ही। अब बोल महारानी तारा, साफ साफ बता दो कि कुंवर आकाश को तुम दोनों ने कहां छुपा कर रखा है। भैरव प्रताप सिंह, तुझे जितना सितम करना है, जितना षड्यंत्र का जाल फैलाना है फैला ले, लेकिन मेरे बेटे आकाश का पता तू कभी नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा कभी ले। धर्मखोर महारानी तारा, अभी प्यार से समझा रहा हूं, बता दो अन्यथा तुम्हारी इस गोरी चमड़िया को काली कर। भैरव प्रताप अपनी जुबा को लगाम दे। याद रखो हम हरामी बाप की हरामी औलाद हैं। बता दो कुंवर को कहां छुपा कर। भैरव प्रताप सिंह चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मेरे जीते जी मेरे बेटे का पता कभी नहीं पाएगा तू। अरे हराम जारी। कुंवर आकाश को कहां छुपा कर रखा है? भैरव सिंह तू तो निकला कभी ना बोल हराम जादे। भैरव सिंह तू तो निकला कभी ना बोल, तन में कीड़े पड़े जुबा कट जाएगी। देर है प्रभु के घर न अंधेर है। देर है प्रभु के घर न अंधेर है, दिल की अभिलाषा दिल में ही रह जाएगी। भैरव प्रताप सिंह तुम मेरे जीते जी मेरे बेटे का पता कभी नहीं पाएगा, चाहे जितना तू सितम कर। महारानी तारा अगर तुम मुझसे आकाश के बारे में नहीं बताओगी तो सेनापत भंवर सिंह के सामने तुम्हारी इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला दूं। कभी नहीं। तुझे शर्म नहीं आती अपनी राजमाता से ऐसी बात करते हुए? अच्छा, अरे हमारा के कहा शर्म आएगी, मैं तो ससुरा पैदाइशी बेशर्म हूँ। तो क्यों भाइयों? तू मेरी बात को सुन ले भैरव सिंह। बोल। कोई भी नारी चाहे जितना बड़ा सितम पड़ जाए वो सहलेगी, चाहे उसके प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देगी।
मेरे बेटे आकाश का पता तू कभी नहीं पाएगा। अगर तू आकाश का पता हमरा सनाई बताएगी तो याद रख, हम आज तेरी इज्जत के साथ, तेरी इज्जत के साथ वो घटिया हरकत करूंगा। कैसे रियासत उज्जैन के लोग देखकर तेरी दशा को भाई से कांपेंगे। भैरव सिंह तो छोड़ दे, रानी को भैरव सिंह छोड़ दे, छोड़ दे छोड़ दे भैरव सिंह, रानी को छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। रानी माँ को सताया और अगर बेशरम सोच ले तू सीधे अदन जाएगा। अरे भंवर सिंह साला, कि तू तो द्वार पर बधे एक कुत्ता सा है, तू तो द्वार पर बधे, कि तू तो द्वार पर बधे एक कुत्ता सा है, भौंकने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका और टिका हूं धर्म, देख कर भी तू कुछ न कर पा। आज हो जाएगा एक नारी का जीवन ये अभिमान है, वरना भारी का जब आज हो जाएगा। स्वामी जी, आप महारानी के साथ गद्दारी कर सकते, लेकिन मैं नहीं। अरे प्रिय माधुरी। हाँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो? मैं? अरे इसको बाहर रख प्रिय। अरे मैं तेरा पति हूँ पगली, मैं मर जाऊंगा, इसको दूर कर, दूर ए कर। तो अच्छा हुआ, ए तो अच्छा, इनको छोड़ दो। महारानी जी के हाथ की हथकड़ी और सेनापति जी की हथकड़ी खोल दी जाए। ये तो अच्छा हुआ कि रामबलि ने मुझे बता दिया, वरना आज महारानी के साथ तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर जाते। नहीं महारानी जी, धन है तेरी देवी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। नहीं महारानी जी, मैं एक औरत होने का फर्ज निभाई हूँ, आप यहाँ से भाग जाइए। एक शेर की है माधुरी, तुम्हें मेरी कसम, भाग जाइए, भाग जाइए, मेरा पति आप ही। स्वामी जी, आज मैं ये भूल जाऊंगी, आज मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। अगर इतना बड़ा अनर्थ आप करेंगे ना तो इस दुनिया में, कि आप तो नमक खाली कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। प्रिय माधुरी, तू मेरी धर्म की पत्नी है और मैं तेरा पति हूं। अगर टाइगर पर तेरी उंगली है दब गई तो मैं मर जाऊंगा प्रिय, और तू राण हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। आपको ऐसे ही करना था। अरे जिस पत्तल में आप खाएं उसी में छेद करना जानते हैं, लेकिन मैं नहीं। नहीं प्रिय, मैं महारानी का नमक खाई और महारानी के साथ गद्दारी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने महारानी को भगा दी। और स्वामी जी चले जाइए आप यहां,
चले जाइए वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। अरे नहीं प्रिय, नहीं 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 तो मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी प्रिय। चले जाइए। नहीं मैं मर जाऊंगा। कह रहा साली हमारी बिल्ली और हमारा से ही म्याऊ, साली मुझे मारने आई थी क्यों करती थी मेरे दुश्मन की मसीहा बनकर, क्यों करती इतने खोटे कर्म। राम जादी मैं खोटा कर्म कर रहा हूँ, तू मुझे सराफत की किताब पढ़ाकर साधु महात्मा बनाना चाहती है। हर औरत का यही प्रथम परम कर्तव्य होता है कि अपने पति को समझा और बुझा के रखे, जैसा कि मैं तुम्हें समझा रही स्वामी जी कि आपने एक रास्ते पे चलना सीखे, क्यों इतना बड़ा अनर्थ करते हैं। हराम जादी माधुरी तू हमरा के गीता का उपदेश सुना रही है। हराम खोर, आज से न मैं तेरा पति और न तू मेरी पत्नी। मनहूस, आप मुझे मार देंगे ना? मार तो देंगे स्वामी जी, लेकिन समय आने पे एक दिन आप जरूर पछताएंगे, जरूर पछताएंगे स्वामी जी। अगर इनकी बातों में उलझे रहोगे तो सेनापति भंवर सिंह और महारानी भाग जाएंगी। हराम जाती, इसका मतलब तुम्हारे साथ ये नागेंद्र बहादुर सिंह भी लगा। वो हमारा बचपन का यार है। इसका मतलब इसी के कहने से आप चलते। माधुरी, ठाकुर भैरव सिंह की राहों में जो कदम उठते हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भैरव सिंह खत्म कर देता है। तूने गुस्ताखी किया रे, अब इस पृथ्वी पर तेरा जीने का कौनो हक ना है। छोड़ दीजिए, तूने मेरे उसूल के खिलाफ कदम उठाया है। आज से ना तू मेरी पत्नी और ना मैं तेरा पति। मेरे दोस्त भैरव सिंह, ये क्या कर दिया? क्या हुआ नरेंद्र बहादुर सिंह? भाभी का खून कर दिया। ओ माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह। हाँ मेरे दोस्त, मैंने मारना तो मैं चाहता था सेनापत भंवर सिंह को और महारानी तारा को, लेकिन बीच में हमारी पत्नी माधुरी आ गई और मेरे हाथ से मौत के घाट उतर गई। इनकी मौत के कारण महारानी और वो लेकिन मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह। हाँ मेरे दोस्त, मैं छत्री हूं जरा दूजे किस्म का। अगर ठाकुर भैरव सिंह की खोपड़िया घूम गई तो समझ लो बंटा ढार हो गया। इसने हमारी मर्यादा के खिलाफ कदम रखा और इस ससुरी को हमने मौत के घाट उतार दिया। नरेंद्र बहादुर सिंह, हाँ मेरे दोस्त, अगर हमारा से किसी ने पंगा लेने की जरूरत किया तो याद रखो उसका भी यही अस्त्र होगा जो कि तुम्हारे सामने देख रहे हो, मेरी पत्नी की लाश पड़ी है। आप पीछा कर चलो, हम इसी बार उस शरामखोर सेनापत भंवर सिंह और महारानी तारा का पीछा करते। राजमाता, सेनापति भंवर सिंह, माधुरी की चीख और गोली की आवाज ने यह साबित कर दिया कि उन हराम जादू ने बहन माधुरी की भी गोली मार दिया है। भैरव सिंह अपनी पत्नी को भी लगता है गोली मार दिया। राजमाता, लेकिन हम लोग आज हम लोग
सलाखों से इस माधुरी की वजह से आजाद हुए हैं, तो आइए हम अपने इस उज्जैन नगर को छोड़कर कहीं और। चलो सेनापति जी, लगता है वो कमीने पीछा कर रहे हैं। हराम कोर सेनापति भवत सिंह, अपने आप को मेरे हवाले कर दे। एक तिल पांव आगे बढ़ाने की जरूरत किया तो साले मौत के घाट उतार दूंगा। भैरव सिंह, जब तक ये सेनापति भंवर सिंह राजमाता के साथ है, तू भंवर सिंह का कुछ नहीं कर सकता है, और मैं राजमाता को लेकर उज्जैन से बाहर अवश्य जाऊंगा। हराम कोर भंवर सिंह, तो फिर ले रोक मेरे वार को। उतारू साले पनैया, हम पकड़े रहें सेनापति का, पकड़े रहें। मराइन का चक्कर में हुआ साले, सेनापति को पकड़ थे कि मेरा रास्ता रोक रहे, रोक नहीं रहे, पकड़े रहे, महारानी छुड़ावत रही। मेरे दो नरेंद्र बहादुर सिंह, गोली तो चल गई लेकिन साला सेनापति भंवर सिंह भाग निकला। एक बाजार है, एक फौरन उस कमीने का पीछा करो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो, भाग कर न जाने पाए। चलो मेरे दो नरेंद्र बहादुर सिंह, हाँ मेरे दो, मैं जिधर से निकलता हूँ, अरे तो मैं जिधर से निकलता हूँ उधर से भूचाल आता है। जमी की क्या बात, आसमान ठहर रहा है। अब की भैसाहू साले तुम्हार बारी है साहेब, भाग जाओ राजमाता, तुम भाग जाओ, हम निकास को रोके हैं। सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह, न जाने किस रास्ते से सेनापति भंवर सिंह चले गए। सेनापति भंवर सिंह, मैं कहाँ जाऊँ भगवान, मैं कहाँ जाऊँ ये भगवान, मैं कहाँ जाऊँ भगवान, कहाँ जाऊँ। अरे आंसू बरसे तू नहू नया नवा निर्दय, अरे आंसू बरसे तू नहू नया नवा निर्दय, अरे दूर भैले गोदी के ललनवा निर्दय, अरे के लाला नवा निर्दया रे। गवन कराम के सजाई हम पे दिहाला, पियावा के माता काहे भगवान घुमावेला, कवन गुनाह के सजाई हम पे दियाला, पियावा के माता हमारे काहे तू घुमावे। I'm sorry, Jindaga.
कानिया नीर दैया रे। दादी भैया सारी चिंद कानिया नीर दैया रे। आंसू बरसे तू ना हो कुछ समझ में नहीं आता। सेनापति भंवर सिंह न जाने किस रास्ते से चला गया। ठीक है भैरव प्रताप सिंह, तूने मेरे पति के साथ षड्यंत्र चल के उनके खिलाफ मुझे कर दिया, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। तो ठीक है भैरव प्रताप सिंह, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। आज के बाद महारानी तारा मर गई, मर गई महारानी तारा। आज के बाद इस उज्जैन प्रांत में मैं जिस दिन कदम रखूंगी महारानी तारा नहीं ज्वाला बन कर आऊंगी और तेरे जीवन को जलाकर राख कर दूंगी, राख कर दूंगी। भैरव प्रताप नरेंद्र बहादुर सिंह तेरी मौत बनकर बहुत जल्द मैं ज्वाला बनकर तेरी दुनिया वीरान करने के लिए आऊंगी। हरी रुलाया जिस तरह मुझको तुझे मैं भी रुलाऊं। रुलाया जिस तरह मुझको तुझे मैं भी रुलाऊंगी। हरम चौदह भैरव प्रताप सिंह रुलाया जिस तरह मुझको तुझे मैं भी रुलाऊंगी। मार कर तुझको दुनिया से बहुत मैं जल्द मिटाऊं। मार कर भैरव सिंह तुझको बहुत मैं जल्द मिटाऊं। कहने वाला रह गया न सुनने वाला रह गया। हराम जादे तूने अपने षड्यंत्र के जाल में मेरे स्वामी जी को फंसा कर मेरे माथे पे कलंक का टीका लगा दिया। कभी न कहने वाला रह गया न सुनने वाला रह गया। अरे डाकू किसे कहते हैं डाकू ज्वाला बनकर दिखाऊं। भैरव प्रताप तेरी मौत बनकर बहुत जल्द मैं उज्जैन प्रांत में आऊंगी, तुझे जलाकर इस दुनिया से खाक कर दूंगी। मैं आऊंगी भैरव सिंह आऊंगी।